नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न 2 हम करने जा रहे हैं। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में लिखिए। जैसे बच्चों हमने प्रश्न 1 में किया था, वैसे ही ये प्रश्न 2 है। तो हमें साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट और कॉट, इन सभी को हमें सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन ए, तो बच्चों देखिए साइन ए जो है, हमें पता है, हमने अभी एक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए बराबर 1। तो यहाँ से साइन ए किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। देखिए साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर ए इधर प्लस हो रहा, उधर जाके माइनस, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए वो होगा साइन स्क्वेयर ए, तो साइन ए होगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए का रूट। और बच्चे देखिए ये रूट ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए होता है 1 अपॉन सीकेंट स्क्वेयर ए। और जब इसका हम लघुत्तम लेंगे तो 1 और सीकेंट स्क्वेयर का लघुत्तम होगा सीकेंट स्क्वेयर ए, और ऊपर आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर को 1 से भाग करेंगे सीकेंट स्क्वेयर ए, उस सीकेंट स्क्वेयर ए को ऊपर 1 से गुना कर देंगे तो सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस, तो माइनस सीकेंट स्क्वेयर ए को सीकेंट स्क्वेयर ए से भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 को ऊपर 1 से गुना कर देंगे तो 1। इस प्रकार से साइन ए को हमने लिख दिया रूट सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वेयर ए। ये साइन ए को हमने सीकेंट ए के रूप में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार से बच्चों कॉस ए, कॉस ए हमें पता है यह 1 अपॉन सीकेंट ए होता है, तो कॉस ए को भी हमने सीकेंट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। इसके बाद है टैन ए, तो देखिए बच्चों हमारे पास एक सरल समीकरण थी 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वेयर ए के। यहां से देखिए सीकेंट स्क्वेयर ए, ये 1 इसके साथ प्लस और उधर जाके हो जाएगा माइनस, ये हो गया टैन स्क्वेयर ए के बराबर। तो बच्चों टैन ए किसके बराबर होगा, इसके अंडर रूट के बराबर। तो देखिए टैन ए को भी हमने सीकेंट ए के पदों में लिख दिया है। इसी प्रकार से बच्चों आगे देखते हैं, हमारे पास है कोसीकेंट ए। कोसीकेंट ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो बच्चों देखिए साइन ए किसके बराबर है, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वेयर ए के रूट के बराबर। तो इसका व्युत्क्रम यानी सीकेंट स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, रूट ऐसे ही रहेगा, सीकेंट स्क्वेयर ए ऊपर आ जाएगा बटा नीचे है सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, यानी साइन का व्युत्क्रम, साइन ए है सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वेयर ए का रूट, कोसीकेंट ए क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी सीकेंट स्क्वेयर ऊपर और सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 नीचे। तो ये आ गया कोसीकेंट ए को भी हमने सीकेंट ए के रूप में व्यक्त कर दिया है। इसी प्रकार से बच्चों कॉट ए, कॉट यानी कोटेंजेंट ए, कॉट ए होता है 1 अपॉन टैन ए, तो देखिए टैन ए किसके बराबर है, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 के रूट के बराबर। तो 1 अपॉन टैन ए हो जाएगा 1 अपॉन सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। तो बच्चों इस प्रश्न में देखिए हमने साइन ए को सीकेंट ए में व्यक्त कर दिया, कॉस ए को सीकेंट ए में व्यक्त के रूप के पदों के रूप में व्यक्त कर दिया, टैन ए को सीकेंट ए के पदों के रूप में व्यक्त कर दिया, कोसीकेंट ए को भी सीकेंट ए के पदों के रूप में व्यक्त कर दिया, और कॉट ए को भी सीकेंट ए के पदों के रूप में व्यक्त कर दिया। तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक है सीकेंट ए, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, पांचों को हमने सीकेंट ए के पदों के रूप में व्यक्त कर दिया है।
बच्चों इसी प्रकार से आपको कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को उसके पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये उसे करने का तरीका है। और इसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है, जो हमने तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं सीखी हैं उनका प्रयोग हमने इनमें किया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस को देख सकते हैं और उन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।